मोहतरम डॉक्टर सैयद काजी साहब, सुजेंद्र कुलकर्णी साहब, मोहतरम मुश्ताक अंतुले साहब, मोहित मियां जी साहब और ख्वातीन हजरात, मेरे हाथ में ये कागज देख के आप घबराए ना, मैं कोई लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ने वाला हूँ। चंद बातें अलग से अर्ज करूंगा कि मौजू बहुत अहम है। तसव्वुफ और भक्ति को अलग करने वाले अलग करते हैं, तो इस तरह अलग करने की कोशिश करते हैं कि महसूस होता है कि बनी नौ इंसान के दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही है, इंसान को इंसान से अलग किया जा रहा है और उसको एक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि यूनिटी को यूनिफॉर्मिटी की शक्ल देने की कोशिश है। हम दोनों को दोनों के हकीकी पस मंजर में बयान करने की कोशिश कर रहे थे। मसलन किसी शायर का शेर है, खूबसूरत शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। शेर बहुत खूबसूरत है, सुनने वाले पर भी असर होता है और सुनाने वाले पर भी, लेकिन ये खास कॉन्टेक्स्ट में ही ये शेर सही है, पूरे तौर पर इस शेर से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। इसलिए कि मोहब्बत का जज्बा हर इंसान को वदियत हुआ है कुदरत की जानिब से, और इंसान ही नहीं जानवरों को भी ये जज्बा मिला है, और जानवर ही नहीं पेड़ पौधों में भी ये कैफियत किसी न किसी डिग्री में मौजूद है। रिसेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से जाहिर हो चुका है कि दो जगह प्लांटेशन किया गया, एक जगह हल्की म्यूजिक बनाई गई एक बजाई गई, एक जगह हल्की म्यूजिक नहीं बजाई गई, तो जहां हल्की म्यूजिक बजाई गई थी वहां ग्रोथ ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ, ज्यादा तेज से हुआ। तो मोहब्बत की बोली को पौधे भी समझते हैं, जानवरों को जिन्होंने गाय पाली हो, जिन्होंने बकरी पाली हो, जिन्होंने तोता पाला हो, वो जानते हैं कि वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं, उनको झेड़ दो तो वो नाराज होते हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है। और इंसान तो मोहब्बत का पुतला है, एक खास कैफियत उस पर तारी होती है, हसद की वजह से, जलन की वजह से, नफरत की वजह से, किसी की चीज को हथियाने की गरज से, किसी पर अपनी बर्तरी जताने के लिए, किसी से बदला और इंतकाम लेने के लिए, लेकिन वो बहुत देर नहीं रहती, और वो जब चीज हटती है तो फिर जो दिलों को फतह कर ले वही फातह जमाना की कैफियत पैदा हो जाती है। सूफिया कराम ने और हमारे संतों ने ये जो आरजी चीजें आके इंसान से इंसान को बांटने की कोशिश करती रही हैं, उनको हटाने की कोशिश की है, और यही बुनियाद है तसव्वुफ की भी और यही बुनियाद है भक्ति की। इसका भक्ति का और तसव्वुफ का मतलब हम मजहब के हवाले से भी कर सकते हैं, हम दूसरे हवालों से भी कर सकते हैं, लेकिन मजहब के हवाले से अगर हम कहते हैं तो हिंदुस्तान का मजहब अलग है, हिंदुस्तान में 10 मजाहिब और हैं, चीन में अलग मजहब है, जापान में अलग मजहब है, वहां नाम भी बदल जाता है, शक्लें भी बदल जाती है, कैफियत भी बदल जाती है, लेकिन इंसान की फितरत के हवाले से अगर हम इसका मुताला करें तो पूरी दुनिया एक कुंबा नजर आती है, एक फैमिली नजर आती है। सूफिया कराम का यही दर्शा कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, कि वो काला हो, वो गोरा हो, वो पस्ता कद हो, दराज काबत हो, कैसा भी हो, वो अगर वो इंसान है तो एक फैमिली का हिस्सा है, उसको अलग एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। हिंदू मजहब ने विश्व कुटुंब का तस्वीर, विश्व कुटुंब का जो सारे इंसानियत, और इस्लाम की जो बुनियादी तालीम यह है कि हर शख्स का दूसरे शख्स से दो किस्म का नाता है। एक नाता तो यह है कि हर आदमी, चाहे उसका किसी मजहब से ताल्लुक हो, किसी इलाके से ताल्लुक हो, किसी रंग और नस्ल और रेस से ताल्लुक रखता हो, वो एक परवरदगार और एक मालिक का मानने वाला है, उसका पैदा किया हुआ है और एक बाप की औलाद है। ये कोई नहीं मानता कि हम किसी बंदर की औलाद है या बायोलॉजिकल चेंज की सूरत में हम आए हैं, ये जितने भी सूफिया है जो भी सेक्स से ताल्लुक रखते हो, हम एक बाप की औलाद, और यही इस्लाम भी कहता है। और मोहब्बत की ही का दर्श संतों ने भी दिया है, मोहब्बत ही का दर्श भक्तों ने भी दिया है। इसकी पूरी तारीख आप उठा के देख लें, हजरत
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सिलसिले से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब किसी के पास कोई जाता है तो कुछ लेके जाता है, दे के आता है। हमारे घर की तहजीब रही, कोई हमारे घर में आए तो हम शक्कर से या गुड़ से या कोई फल से खाने के लिए देंगे, पानी पिलाते हैं, फिर रुखसत करते हैं। कोई किसी के पास जाए तो कुछ लेके जाता है तो वहाँ दे के आए। सूफियों और संतों के पास कोई जाते हैं वो तलब नहीं करते, लेकिन जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं तोहफतन के वहाँ दे के आए। तो कोई साहब आए, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था तो एक कैंची लेकर आए, घर में सब कैंची की कैंची दे दी। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन आप दीदा हुए, कहले तुम मेरे लिए कैंची लेके आए हो, मेरे लिए सुई धागा लेके आना चाहिए था, मैं समाज को जोड़ने के लिए आया हूँ, समाज को तोड़ने के लिए। ये उनका पैगाम। हम जिस खानकाह से ताल्लुक रखते हैं वहां पे उर्स के 250-300 साल से वहां उर्स होता है, और जब उर्स होता है तो वहां मांस मछली गोश्त नहीं पकता उन दिनों, इसलिए कि हिंदू भी बड़ी कसीर तादाद में आते हैं, दूसरे मजाहिब के लोग भी आते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं, इसलिए उनके जज्बात का भी ख्याल रखा है। तो सूफियों और संतों ने दोनों ने मिलकर उस मोहब्बत की आबियारी करने की कोशिश की है जो हमारे और दिलों के दरमियान राबते का काम करती है, यही असल तसव्वुफ है। और मोहब्बत की तासीर ये है कि जब मोहब्बत की फरमानी होती है, जब मोहब्बत की हुक्मरानी होती है, जब मोहब्बत का गलबा होता है तो गैरियत मिट जाती है। वो किसी को गैर नहीं समझता, किसी जगह को काबिले नफरत नहीं समझता। मिसाल मैं दे रहा हूं, जो बहुत बड़े संत हैं हमारे, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हैं, बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत बड़े संत भी हैं। कहते हैं कि धूत कहो और धूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, कोई काहू की बेटी सो बेटा न बियाह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है, राम को जाको रचे सो कहे कुछ ओऊ, मांग के खैबो मसीह में सोईबो, लेवे को एक न देवे को दो। क्या आपका जी चाहे हमें गाली दे दो, आपका जी में आए मुझे बुरा कहो, आपका जी में आए मुझे इस बिरादरी का कहो, आपका जी में आए उस बिरादरी का कहो, मैं किसी की फिक्र नहीं करता, मैं मालिक का मानने वाला हूँ, मैं मांग के खा लूंगा, मस्जिद में सो लूंगा, लेकिन लगी लिपटी नहीं होगा, सच्ची बात कहूंगा। ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी रामायण के रचयिता है। मस्जिद को, अच्छा मस्जिद के बारे में हमारे बहुत से संतों ने बहुत कुछ कहा है, उससे ये पता चलता है कि किसका शऊर कितना तरबियत याफ्ता था, किसकी मालूमात क्या थी। कबीर ने कहा कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाई, क्या चढ़ी मुल्ला बांध दे क्या भैरो भैरो फैदाई, ये बुनियादी गलत है इसकी। इसलिए कि मस्जिद में जो मुअज्जिन अजान देता है वो खुदा को हर हाल में सुनता है, ये नमाजियों को पुकारता है कि भाई तुम चले आओ, नमाज का वक्त हो गया है, ये पूरा कंसेप्ट वहां पे चेंज हो जाता है। फिर इबादतगाह के तौर पर टैगोर जी की एक पूरी नज्म है, उनकी खाकी इबादतगाह उसका उस नज्म का उनवान है, उसमें टैगोर साहब ने कहा कि भाई तुम मंदिर में या मस्जिद में या इबादतगाह के कोने में बैठे हुए तस्बीह लेके क्या पढ़ रहे हो, किस भगवान और किस खुदा की तलाश कर रहे हो, खुदा तो वहां है ही नहीं, खुदा वहां है जहां किसान हल चला रहा है, जब मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, जहां मेहनतकश अपना पसीना बहा रहा है। अगर खुदा को जानना जाए तो वहां से निकलो, बेअमली की जिंदगी को तर्क करो और अमल की राह इख्तियार करो, तुम्हें खुदा मिल जाए। और फिर हमारे जमाने के देखिये, ये तसव्वुफ और भक्ति एक फैशन नहीं है, एक कपड़ा नहीं है, हेयर स्टाइल नहीं है कि जैसे चाहे हमने कर दिया। ग्लैमर के लिए अगर कुछ लोग इसका नाम लेते हैं और उनको इल्म नहीं है तो अपनी रुसवाई का सामान करते हैं। उनको मालूम नहीं है उनके डेप्थ कितना है उसमें। हमारे नदा फाजली अभी थे, बहुत खुशहालों के कामयाब शायर थे, वो पढ़ा करते थे और जहां जाते थे वहां हंगामा हो जाता कि जितने दहशतगर्द थे वो सब मस्जिद में रह गए और जितने लोग थे नवाजी वो सब बाहर चले गए, हमेशा चल रहा। ये नावाकफियत की दलील है। मैं इसी शहर बंबई के बड़े शायर स्कॉलर जिनसे बरसा बरस हम उनके उनसे बात करते रहे, डेली डेढ़ घंटा बात होती थी, बहुत बड़े स्कॉलर थे फारसी के भी और उर्दू के भी और संस्कृत के भी, कालिदास गुप्ता रजा, उन्होंने शेर कहा कि जीने का निशान दे रहा हूं,
जीने का निशान दे रहा हूँ, रहने के अजान दे रहा हूँ। ये स्कॉलर है। अजान हमारी तहजीब का हिस्सा है। जिन गांवों में अजान देने वाली लोग नहीं होते थे, वहां के लोग बुला के लाते थे कि भाई हमारे यहाँ अजान दोगे तो हमारे यहाँ से बलाएं टलेंगी। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। अपनी नावाकफियत की वजह से या कहीं से कुछ इनाम हासिल करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती थी। तो मस्जिद को मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया है, लेकिन उस खरी को जो हमको कालिदास गुप्ता रजा क्या मिलता है, या जो हमको टैगोर क्या एक दूसरी शक्ल में मिलता है, या तुलसीदास जी क्या जो मिलता है, वो सबके यहाँ हमको नहीं मिलता। इसी रवादारी को दूसरे लोगों ने कुछ किसी तरह से पेश किया। वो मुसलमान घर में पैदा हुए, अरबी के आलिम है, फारसी के आलिम है, हाफिज कुरान है, फका को समझते हैं, जो भी समझा जा सकता उससे बेहतर आलिम है। लेकिन जब वो शेर कहते हैं या तहजीब अपनाते हैं तो पता करना मुश्किल हो जाता है भाई ये शेर किसी सूरदास का कहा हुआ है कि ये फला का कहा है। जैसे शाह काजिम कलंदर फरमाते हैं कि कहाँ गए ब्रजलाल कन्हैया। देखिए, अगर आपको मैं नाम ना बताऊं तो कोई नहीं कह सकता कि ये शाह काजिम कलंदर का नहीं है, ये सूरदास का नहीं है। नाम बता रहा हूं इसलिए आप जान रहे हैं कि कहां गए ब्रजलाल कन्हैया मनमोहन बंसी के बजैया, कहां छुपी जाए मोहनी मूरत सगरे नगर के मन के छलैया, और छीन छीन दूध मटकी फोड़ फोड़ ब्रज उजाड़गा ब्रज वसैया। ये शाह काजिम फरमा रहे श्री कृष्ण की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, और उन्हीं के बेटे हैं भगत शाह तुराब अली कलंदर। फरमाते हैं कि आयो बसंत भई मतवारी, उमंग चली सब बारी कुआरी, कोई अबीर लिए भर छोड़ी, कोई बनाए रही पिचकारी, कोई बजावत दफ कोई गावत, कोई डगरमा नाचत ठारी, देख तो कैसी बनबन आई सुंदर नार दही की समारी, अब ही सो बरस बाद धूम मची है होली खेलत है श्याम बिहारी, आप बचो रहे सबको रंगे, यानी आप तो बचे हुए हैं, आपके ऊपर कोई रंग नहीं डाले, आप बचो रहे सबको रंगे, को है तो राबस चतुर खिलाड़ी। शाह तुराब अली कलंदर और ये संत राव, और हसरत मोहाली में और शाह तुराब अली कलंदर में 100 साल का फर्क है। 100 साल के बाद हसरत ने उस किस्म की शायरी की के मन तो से प्रीत लगाई कन्हाई, काहू और की सरत अब काहे का आई, गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढा बरसाने लग घूम गया। ये वो तमाम शहरों के नाम बता रहे हैं जहाँ कृष्ण जी रहा करते थे या जहाँ गए थे। गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढा बरसाने लग घूम के आई, तन मन धन सब वार के हसरत मथुरा नगर चल हो धूनी रमाई। यहाँ से अब मोटे रंग न डार मुरारी, बिनती करत हूँ बिहारी, पनिया भरन का जाए न कहीं है श्याम भरे पिचकारी, थर थर कांपत लाजन हसरत देखत है नर नारी। ये हमारे सूफिया इकराम ने और उन शोरा इकराम ने जिनके तसव्वुफ के असरात थे श्री कृष्ण का जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया, और उसमें बहुत से उलमा भी शरीक है, बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखी है। खुद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सीनियर फेलो की हैसियत से जो किताब लिखी है वो तकरीबन 300 सफ़े की है, और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि एक खुदा को और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर एक मुसलमान मानता है, श्री कृष्ण को उनकी जगह किस तरह से वो देखता है। तो उसमें ये हमने साबित करने की कोशिश की है कि कुछ शोरा है तो उन चीज़ों को वर्सीफाई कर दिया, जो देखते थे जो सुनते थे उसको वर्सीफाई कर दिया, उसी को पेश कर दिया। कुछ लोगों ने सिम्बाल के तौर पर देखा है, कुछ लोगों ने उनको आरिफ हक और बुजुर्ग के तौर पर, चूंकि नबी रहमत से पहले वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं इसलिए इस इम्कान का इजहार किया है कि मुमकिन है कि वो भी हादी और अल्लाह की तरफ से भेजे हुए कोई हादी रहे। बड़े खूबसूरत तरीके हैं, और श्री कृष्ण के हवाले नाच जैसी पाकिजा सिंस भी मौजूद है, और जिन लोगों ने इस सिंस को देखा है या बरता है वो कोई मामूली दर्जे के लोग नहीं थे, वो सब आलिमदीन थे, वो हाफिज कुरान थे, फका को जानने वाले थे, हदीस कितनी याद थी उनको, कुरान का हिफ्ज था उनको। जैसे मोहसिन काकोरी भी शाह कादिम कलंदर के खानदान के थे, वो संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, कितने उलमा आए, वो पूरा पूरा कसीदा उसका जवाब कोई नहीं लिख सका है। तो ये बड़ा एक मसला है और उसको बयान नहीं किया गया है। भक्ति काल के जितने शोरा में तुलसीदास मिलते हैं, कबीर दास मिलते हैं, तुलसीदास जीते हैं, दादू मिलते हैं और बहुत से लोग मिलते हैं, इसमें शाह कादिम कलंदर का नाम क्यों नहीं है, यह बड़ा सवाल है।
या इल्म से हमारा सवाल, उनको क्यों उनसे बाहर रखा गया? उनको भी रखना चाहिए, उनकी जुबान वही है, उनकी अलामतें वही है, उनका अंदाज बयान वही है। और फिर उसमें हसरत ने कुछ चेंजेस भी किए हैं, कुछ अशार उनके हैं उसमें अपने महबूब या अपने ममदूह या अपने शायद की तरफ इशारा है कि बगदादी दयालु खेवैया, हम गरीब हैं पार जवैया, बिरहा की मारी निपट दुखियारी, ताकन कब तलक दूर से नैया, पार उतार पिया से मिलाओ रजाब पिया, बासे नगर के बसैया, बासे नगर के फरंगी महल के एक ही नाम के दो ही कन्हैया। दो बड़े अहम बुजुर्ग शाह अब्दुल रजाक बासवी और शाह अब्दुल रजाक फरंगी महली, इन दोनों की तरफ इशारा इनका है, अंदाज वही है जो भक्तों का भक्तों की शायरी का है। तो एक तो उसी रंग में शायरी की दोनों ने, जो संत थे उन्होंने भी और जो सूफी थे उन्होंने भी, एक ही रंग में दोनों ने शायरी की। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे काफिला तमद्दुन और ज़बान व अदब का काफिला आगे बढ़ा, हमारे संत शोरा ने उस अकीदे को बयान किया जो खालिस इस्लामी अकीदा है, उसमें कोई आमेरिश नहीं, मुसलमानों का अकीदा। मसलन तुलसीदास जिसने कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बुद्ध नाना, यानी पांव नहीं है मगर वो चलता है, कान नहीं है मगर वो सुनता है, हाथ नहीं है मगर वो करता है, यह अकीदा कहां से है? या सूरदास हम फानी जिंदगी, हम फना हो जाने वाले हैं, दुनिया फना होने वाली है, चार दिन अपनी नौबत चढ़ी बजाए, या नामदेव अभंग महाराष्ट्र के शायर है, संत काव्य का बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, कहा करूं जाती कहा करूं पाती, राम का नाम जपूं दिन राती, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हजरा हुजूर दरपेश तू मनी। ये सब कुरान से अरबाज लाए हैं, महाराष्ट्र के संत काव्य का हिस्सा है, पूरे इस्लामी अकीदे को अपने लफ्जों में बयान किया। और कुछ मुस्लिम शायरों ने भी जिसमें सूफिया भी है ऐसी बातें कही कि जिनके जिनकी हम कोई तावील नहीं कर सकते, अपने से जो बात कही वो इस्लामी अकीदे के सरियन खिलाफ है, उसकी मुताबिकत की कोई दलील हम दे ही नहीं सकते। मतलब मीर ने तो साफ कह दिया कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछो हो तुम, उनने तो कशका पीछा दहर में बैठा कब्का करने इस्लाम किया, तो साफ साफ ऐलान कर दिया। सौदा ने कहा कि छोड़ा मैं कुफ्र दीन, है फकत यार से गरज, तस्बीह से नकाम न जुन्नार से गरज, यह शेख काबा होके पहुंचा हम कनिष्ठे दिल में हो, दर्द मंजिल एक चीज टुकड़ा है का फेरता, कैसा मोमिन जौक ने कहा बादशाह दफर के उस्ताद, कैसा मोमिन कैसा काफिर कौन है सूफी कैसा रंग, बशर है सारे बंदे हक के सारे झगड़े शर के हैं। असल में ये तहजीब है और शायरी को समझना हर शख्स के बस की बात नहीं है। 10-20 शायराना महफिलों में आइए, 10-20 किताबों को पढ़िए, उस किताब को पढ़ने से ज्यादा उस तहजीब को मजलिसों में पढ़िए, तब शायरी की जुबान समझने का सलीका आता है, उसके बाद आदमी को यह हक पहुंचता है कि उसके ऊपर फैसला सुनाए। ये उसके बाद शायरी के बारे में हम कोई फतवा फौरी तौर पर नहीं सक सकते। ये सारा मामला ये था कि अपनी कैफियात को नज्म करते थे, वर्सीफाई करते थे, जो कैफियत तारी होती थी उसको फौरन बयान करते थे, वो उनका अकीदा नहीं होता था वो। और अपनी कैफियात को बयान करने के लिए अभी जैसे इन्होंने बुल्ले शाह जी का कलाम पाया, बहुत बड़े सूफी हमारे मजलूब थे वो, उनको अपना होशो हवास नहीं है, हर मजहब का आदमी उनके बड़ेपन का कायल है, शायद ही हिंदुस्तान का या साउथ एशिया में या बाहर कोई भी आदमी जो बुल्ले शाह को ना मानता, जो नहीं मानता उसके इंसान होने में शुभा किया जाता है, उतने बड़े शायर। अभी इसका अभी आपने जो पढ़ा होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, अब इसको जरा समझने की देखते रहे, सूफी वो थे मजलूब थे यानी उनको होशो हवास नहीं था, लेकिन वो उनका अकीदा था कि अल्लाह एक है, उनका अकीदा था कि कुरान बरहक है, उनका हक था, उनका यकीन था कि कुरान में जो कुछ कहा गया है वो हमेशा के लिए था, और उसी को वो बयान करते थे अपने तौर पर। तो वो जो कुछ उनका अकीदा था वो मंजर होकर उनकी आंखों के सामने आ जाता था और फिर उसको जो देखते थे उसको बयान करते रहे। अगस्त तो गरब हुकुम, हमारा अकीदा ही है कि भाई फजल में तमाम अरवा को जमा किया गया, अल्लाह ने पूछा कि भाई अब तुम लोग दुनिया में जाने वाले हो, मैं तुम्हारा रब हूँ कि न हूँ, तो सबने कहा तालू बला बेशक आप हमारे रब हैं। यहाँ पे आए तो अपने अपने काम में लग गए, उसमें कुछ भूल गए, कोई उन्होंने हक अदा नहीं किया, किसी उन्होंने हक अदा करने की कोशिश, तो मुख्तलिफ लोगों अब अपने इस अकीदे और अपने इस मुशाहदे को जो आफा
باقی عقیدہ ہے, پوری دنیا کے لوگوں کا عقیدہ ہے. آپ نے اس مشاہدے کو انڈین ٹریڈیشن کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے, تب اس قسم کی شاعری پیدا ہوئی ہے. کہتے ہیں ہولی کھیلوں گی کہ بسم اللہ, نام نبی کی رتن چڑھی بوند پڑی اللہ اللہ, رنگ رنگیلی رنگ رنگیلی وہی کھلاوے, رنگ رنگیلی وہی کھلاوے جو سفی جو سکی ہوئے فنا فلا, ہولی کھیلوں گی کہ بسم اللہ. اگست برکم پیتم بولے سب سکیا نے گھونگھٹ کھولے, کالو بلا ہی یوں کر بولے لا الہ الا اللہ, کوری کھلوں گی کہ بسم اللہ. یہ ان کے اپنے مکاشفات ہیں, یہ اپنے ان کی کیفیات ہیں جس کو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنایا ہے, لیکن انڈین ٹریڈیشن کا حصہ بنا کر پوئٹک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے, ہمارے دماغ میں بس جائے اور ہم اس کیفیت میں سرشار ہو کر ہو جائے. اس کی بنیاد پر کوئی فتویٰ نہیں ادا کیا جا سکتا. نحن اقرب کی بستی میں جائی, یعنی یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید قرآن کی آیت ہے کہ میں تم سے تمہاری شہوت سے بھی زیادہ قریب ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ نحن اقرب کی بنسی بجائی, من عرف نفسہ کی کوٹ سنائی, فسم وجہ اللہ کی دھوم مچائی, وش دربار رسول اللہ خوری کھیلوں گی کہ بسم اللہ, ہاتھ جوڑ کر پاؤں پڑوں گی, عاجز ہو کر بنتی کروں گی, جھگڑا کر بھر چولی لوں گی نور محمد صلی اللہ خوری کھیلوں گی کہ بسم اللہ, فس قرونی کی گھوڑی بناؤ وش قرونی کہ پیا رچاؤں, ایسے پیا کہ میں بلبل جاؤں کیسا پیا سبحان اللہ خوری کھیلوں گی کہ بسم اللہ, سب صبغت اللہ کی برکت بھر پچکاری اللہ سمت پیا منہ پر ماری, نور نبیدہ حق سے جاگی لا الہ الا اللہ ہولی کھیلوں گی کہ بسم اللہ. یہ پوری کیفیت کا اظہار, ایک تہذیب کا اظہار ہے, ایک ایسی کیفیت کا اظہار ہے جو آدمی کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی خرابیوں سے دور ہونے کی تحریک عطا کرتی ہے اور قوت عطا کرتی ہے, اس کا مظاہرہ کیا ہے. تو ہمارے سنتوں نے, ہمارے صوفیوں نے جو شاعری کی ہے, اس شاعری نے عقیدے کا تو جو معاملہ ہے وہ ہے, علماء کرام طے کریں گے اس کو, اس کو دھرم گرنتھ کو سمجھنے اور بیان کرنے والے سمجھ کریں, لیکن ایک تہذیب عطا کرتی ہے, دنیا میں رہنے کا ہم کو ایک طریقہ سلاتی ہے, پرسکون رہنے کا ایک گروہ منتر عطا کرتی ہے. بھکتی کے سلسلے میں ایک بہت کئی اسکالرس نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہمارے ویاس جی نے, بڑے مہان رشی ہیں رشی ہیں, انہوں نے نارد جی سے کہا کہ بھائی میں نے بہت سے گرنتھ لکھے, گیان گرنتھ لکھے, لیکن میرے دل میں بڑی بے کیفی اور بے سکونی ہے, مجھے سکون نہیں ہے, کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ سکون مل جائے. تو نارد جی نے ان سے کہا کہ صاحب آپ نے بہت گرنتھ لکھے ہیں لیکن گیان گرنتھ لکھے ہیں, ایک پریم گرنتھ لکھیے آپ کو سکون مل جائے گا. اور اس کے بعد بھاگوت قرآن کی رچنا ہوئی, یہ انڈین ٹریڈیشن کا تھی, یا پنڈت جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے شدید کر دیجیے, پورا ہمارا ٹریڈیشن ہے. تو بڑے خوبصورت ہے, تو ایک تہذیب ہمیں عطا کی ہے, ایک ضبط نفس کا سلیقہ ہمیں عطا کیا ہے, اور اس کے اثرات جو مذہب کے ماننے والے تھے ان پر بھی مرتب ہوئے ہیں, جو مذہب کے نہیں ماننے والے تھے ان پر بھی مرتب ہوئے ہیں. مذہب میں بھی الگ الگ لوگ ہیں سب پر, اور جو مذہب کو نہیں مانتے تھے یا کم از کم شو نہیں کرتے تھے ان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے, اسے وہ خالی نہیں ہے. مثلاً فیض احمد فیض کی بڑی خوبصورت نظم ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا قیامت برپا ہوگی, آسمان زمین ستارے سورج چاند سب ختم ہو جائے گا, سب کے ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا, اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا, کوئی جنت میں جائے گا کوئی جہنم میں جائے گا. یہ ایک مسلم عقیدہ ہے, اور وہیں سے الفاظ لائے اور لا کے بالکل اس مذہبی روایت کو ایک انقلابی روایت سے ملانے کی کوشش کی فیض احمد فیض نے, بڑی خوبصورت نظم کی. اس نظم کی کیفیت کو سمجھیے تو آپ کو لگے گا کہ کتنا ڈائمنشن کتنا بڑا ہے اس کا, تصوف اور بھکتی کی شاعری کا, تصوف اور بھکتی کے کنسیپٹ کا. اور انہوں نے لفظوں کو ایکسپینشن آف میننگ کے پروسیس سے گزار دینے کے بعد ان کی کایا پلٹ کر دی, ایک لفظ کہیں کسی اور معنی میں تھا یہاں آ کے کچھ اور معنی اختیار کیا. مثلاً ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, جو لوہے ازل میں لکھا ہے, جب ظلم و ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے, جب دھرتی دھڑ دھڑ گے گی اور اہل حکم کے سب اوپر, جب بجلی کڑکڑ کر گے گی, جب عرض خدا کے کعبے سے سب کچھ اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم, مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے, بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی,
جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا انل حق کا نعرہ, اٹھے گا انل حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اس وقت آئے گا. اب اس کا دیکھیے سیکولر انٹرپریٹیشن, ایک وقت آئے گا لوگوں کا ضمیر جاگے گا, لوگوں کا شعور بیدار ہوگا, اور شعور بیدار ہونے کے بعد عوام بغاوت جب کریں گے تو یہ جو تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو دولت پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, غلط غلط باتیں کر کے انسان کو انسان سے لڑا رہے ہیں, ان کا کہیں پتہ نہیں ہوگا, اور ہماری حکمرانی ہوگی, ہم ہی حکمران بھی ہوں گے اور ہم ہی رعایا بھی ہوں گے, اور محبت پوری کیفیت کو اس نے بدل دیا, پوری کیفیت کو بدل دیا. اور یہ محبت کا جو جذبہ ہے یہ فیض کے یہاں بھی ڈائریکٹ نہیں آیا ہے, فیض کے یہاں بھی اس سے پہلے کے بھی شاعر تھے. ہمارا اقبال ہمارا اقبال نے دو کیریکٹر کا مکالمہ کیا کرایا, ایک ابلیس ہے اور ایک جبریل ہے. جبریل اتنا مقدس ہے کہ وہ قرآن وہی لے کے آتا ہے اور پیغمبروں تک پہنچاتا ہے, ابلیس اتنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے. تو دونوں میں جب کیریکٹر ہوتا ہے تو جبریل ابلیس کو یہ نہیں کہتے کہ ابھی گدھے ابھی الٹو کے پٹے ابھی مردود ابھی نالائق, نہیں کہتا, کہتا ہے ہم دمے دہرینا کیسا ہے جہاں زندگی ملتی ہے.
लेकिन हर अच्छी चीज की नकल भी की जाती है, हर अच्छी चीज में गंदे लोग भी घुसाते हैं, कोई फना था कोई ठका था। इसलिए जिसे देखिए सर लाल पीला कपड़ा पहन के फटा बांध के और वो करके देखिए सर सूफी बना हुआ है, आपका पैसा छीन लेगा तो छीन लेगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज दुनिया भर की है। तो इनको दुरुस्त करने का काम भी सूफिया कराम ने किया। यदि सूफिया गलत कार सूफियों को अपने से अलग करने का काम शायरों ने भी किया है, सूफियों ने भी किया है और संतों ने भी किया है। एक शहबाज अमरोही साहब थे, उन्होंने शतायर में तंज में अच्छी सी नज़्म कही है कि शोहरा मेरी विलायत का है कुबकू, धाक मेरी करामत की है चार सू, मुझको कहते हैं सब सूफिये नेकू, मेरे लब पर है हरदम यही गुफ्तगू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। शतायर कि ये जो मेरे मुरीदाने मक्कार हैं ये जो मेरे मुरीदाने मक्कार हैं मुझसे बढ़कर कहीं मर्दुम आजार हैं, इतने पस्त उनके अखलाको अतवार हैं, जिनके कहता है शैतान भी आप थू। सूफियों को अलग करने का काम भी सूफिया कराम ने किया। सूफिया कराम ने एक तहजीब दी, एक अंदाज दिया, जीने का सलीका अता किया, दर्दमंदी अता की, वो तासीर अता की जो दिल की धड़कनों को दिल की धड़कनों से हमाहन करती है। ये उनका कारनामा। और ये सब तब होता है जब इखलास के साथ आदमी काम करता है। इमाम हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे, इमाम गजाली पहले सिर्फ स्कॉलर थे, बाद में 12 साल को दमिश्क की मस्जिद के मीनार में बैठ के इबादत की बाहर ही नहीं निकले, उसके बाद सूफी बनकर वहां से निकले। उनकी किताब में एक जगह उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया मुर्दार है। मुर्दार की कैफियत ये होती है कि जो मुर्दा है जो मर चुका है, कुछ दिनों के बाद उसका बदन सड़ जाएगा, उसे कीड़े पड़ेंगे, फिर कीड़े से बीमारी पैदा होगी, बीमारी दूसरे को लगेगी और दूसरा भी जो सेहतमंद था जो जिंदा था वो भी मर जाएगा, मौत का परिणाम है। तो कहते हैं कि पूरी दुनिया मुर्दार है, जिंदा सिर्फ है जो पढ़े लिखे, जिंदा सिर्फ है जो एजुकेटेड है जो पढ़े लिखे, बाकी सब मुर्दा है। फिर कहते हैं कि ये जो पढ़े लिखे हैं ये भी मुर्दा है, वो भी मुर्दा है। जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो पढ़ा लिखा भी है, जिसको ज्ञान भी है, एजुकेशन भी है, इल्म भी है और वो अच्छे कर्म भी करता है, जब दोनों करता है तब करता है। और फिर कहते हैं कि ये जो सारे ज्ञानी लोग हैं, सारे आलिम लोग हैं, ज्यादा अच्छे अमल करने वाले लोग हैं, वो भी मुर्दा है, दोनों मुर्दा है। फिर जिंदा कौन है? कहते हैं कि जिंदा वो है जो आलिम भी है, अच्छे अमल भी करता है और अच्छे अमल खुलूस के साथ करता है, दिखावे के लिए नहीं। ये जो है सूफिया इकराम ने एक अकीदे को तो दिया है जो उनके तक महदूद है, लेकिन जो तहजीब दी है, जो अंदाज दिया है, जो किरदार किया है, जो दर्दमंदी की जो रवायत कायम की है, वो हमारे लिए अमानत है। इस अमानत को संभालना हमारा भी फर्ज है, हम और आपका भी फर्ज है। और जब हम इस अमानत को संभालेंगे तो हमारी जुबान से आपकी जुबान से निकलेगा कि सादे दिल छेड़ के भी तोड़ के भी देख लिया, इसमें नगमा ही नहीं कोई मोहब्बत के शब्द।